के फरीदाबाद में पुलिस के एक ऑपरेशन मजनू का असर दिखाई दिया है। दरअसल इस ऑपरेशन के बारे में आपको बता दें, ये एक अभियान चला है फरीदाबाद पुलिस ने कि जो मनचले हैं उनको सबक सिखाया जाए, और उसका असर दिखाई भी दे रहा है धरातल पर। सादी वर्दी में यहाँ पर महिला पुलिस जाती है, मंचलों पर नजर रखती है कि उनकी गतिविधि क्या है और सीधे एक्शन लिया जाता है। सेक्टर 21 में यह अभियान चलाया गया तो दो मंचलों को काबू कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ जारी है कि ये क्यों ऐसा लगातार करते रहे हैं। दरअसल शिकायतें भी कई बार महिला पुलिस थाने में मिलती हैं, और कई बार जो छात्र हैं या फिर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो शिकायतें भी करती हैं कि कुछ लोग उन्हें तंग करते हैं, और छेड़छाड़ की शिकायतों से तंग आकर कई बार जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो काफी बार मेंटली प्रेशर में आ जाती हैं। और इसी को देखते हुए अब फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है और यह कह दिया गया है कि मंचलों की अब खैर नहीं है। अनिल राठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल राठी, ऑपरेशन मजनू जो चलाया गया फरीदाबाद पुलिस की ओर से, क्या लगातार अब दबिश दी जा रही है, क्या लगातार इस तरह के जो मंचले हैं, इस तरह के जो मजनू हैं, जो नाम दिया गया इनको, क्या उन पर लगातार कार्रवाई की बात फरीदाबाद पुलिस कर रही है या फिर ये कहें कि एक दो दिन का ही काम? जी बिल्कुल कमल, देखिए आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ की वारदातें और जो घटनाएं हैं इस तरीके की अक्सर सामने आ रही, तो इसी को लेकर के फरीदाबाद के जो नवनियुक्त सीपी है वो विकास अरोड़ा, उन्होंने अब ये मुहिम को जो है वो शुरुआत की है, जिसमें की ऑपरेशन मजनू के तहत तमाम जितने भी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी है उनके बाहर जो महिला कर्मी है, महिला पुलिस कर्मी है, उनको बकायदा सिविल वर्दी में तैनात किया गया है, और वो उन लड़कों पर जो है वो निगरानी रखेंगी। उनके साथ साथ जो भी उनको लड़का एक तरीके से अश्लील हरकत या फिर कोई छेड़खानी की जो वारदात को अंजाम देगा, तो उसी के साथ साथ इनके साथ जो है वो बैकअप टीम रहेगी। लगभग 4 से 5 जवान जो पुलिस के हैं वो तैनात रहेंगे सिविल वर्दी में, और तुरंत जो है वो उसको दबोचेंगे। अभी 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 कितने मंचलों को पकड़ा जा चुका है पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार बात करी जाए तो जितने भी कॉलेज हैं उन तमाम कॉलेजों की बात करी जाए तो लगभग दर्जनों से अधिक ऐसे मामले जो है वो फिलहाल अभी संज्ञान में आ चुके हैं, और उन सभी के खिलाफ जो पुलिस है वो सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार इस तरीके की मुहिम, अभी भी हमने कुछ एक कॉलेज के बाहर एक इस तरीके की जो है वो महिला कर्मचारियों को देखा था जो की पूरे तरीके से वहां पे मुस्तैद थे, और साथ ही साथ मंचलों पर जो लगातार लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात करी जाए तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जब वो शिकायत जो है, क्योंकि अक्सर इस मामले में जो है वो महिलाएं शिकायत देने के लिए नहीं पहुंचती थी, तो जिसके चलते जो ये मजनू होते थे वो बड़े आराम से इस तरीके की हरकत करके यहाँ से निकल जाते थे। लेकिन अब शिकायत की बात करी जाए तो शिकायत महिला कर्मचारी खुद जो है वो शिकायत देती है, जिसमें 454 के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और इनके जो है वो पुलिस सख्त रुख अपनाई हुई है इनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, आपने जानकारी